हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। एंड वी आर हियर टुडे स्टडी अबाउट रूट वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। आई थिंक योर हेल्थ इज गोइंग देयर एंड यू आर लर्निंग कंटिन्यूअसली। सो अगेन आई एम वेलकमिंग यू, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे गुडविल जी एस और इंग्लिश ज्ञान गंगा पर। आज हमारा जो ये है लेक्चर नंबर 6 और यू कैन से लेक्चर नंबर 6 जो रूट वर्ड्स पे आधारित है। आज हम इसमें एंटोनिम और सिनोनिम दोनों डिस्कस करेंगे, जहाँ पर एंटोनिम और सिनोनिम होगा, ठीक है, जहाँ पर आवश्यकता होगी उन दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पहला वर्ड है रूट वर्ड का वो AL है, AL, AL और ALI और ALTER, इन तीनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है अदर और एनदर, ठीक, दूसरा, यानी इसका जो अर्थ होगा वो दूसरा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमारे सामने है ALI, AS, ALIAS, ठीक है, ALIAS शब्द लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ALI, AS, ALIAS। वैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एलियस जो वर्ड है ये नाउन का भी काम करता है, नाउन, और उसके बाद एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है, एडवर्ब भी, एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है एलियस। और एलियस में आप देख रहे हैं तो AL जुड़ा हुआ है, ठीक, AL, I जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है अदर, अदर, ठीक है, एलियस। तो ALIAS, एलियस, यानी और AS जुड़ गया है तो इसकी वजह से एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के रूप में यूज हो रहा है ये, नो डाउट, ठीक। तो एलियस का मतलब होता है अदर, और अदर मींस क्या हो जाएगा, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, उपनाम के लिए, क्या, उपनाम, उपनाम, या हम बोलते हैं अथवा, है ना, अथवा बोलते हैं या उर्फ बोलते हैं, उर्फ, उर्फ ज्यादातर उर्फ यूज होता है। जैसे किसी का नाम है जो है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, फॉर एग्जांपल राम कुमार, ठीक, वर्मा नाम है, और इनको किसी और नाम से जाना जाता है, राम कुमार वर्मा को किस नाम से जाना जाता है, घर का कुछ और नाम रखा गया है रामू, राम कुमार वर्मा को रामू के नाम से, तो ये जो रामू नाम है ये इसका एलियस हो गया, इस नाम का जो है एलियस हो गया। जैसे किसी का नाम पप्पू है, ठीक है, तो पप्पू एलियस नाम है, बाकी जो दूसरा नाम होगा वो कोई और होगा, ठीक। तो इसके लिए जो सिनोनिम यूज होता है, सिनोनिम, ठीक है, जो सिनोनिम यूज हो रहा है वो सूडोनिम, सूडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम, छद्म नाम, छद्म नाम, ठीक है, छद्म नाम मतलब उपनाम, ऑल्सो कॉल्ड, हम जो है जैसे कह सकते हैं देर इज अ पर्सन इन माई विलेज नेम्ड राम कुमार वर्मा एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड रामू, ही इज ऑल्सो कॉल्ड रामू, अदरवाइज नोन एज, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज, अदरवाइज नोन एज विद द नेम ऑफ रामू, ठीक है, अदरवाइज नोन एज, और उसको पेट नेम भी बोलते हैं, यानी जिसको गांव वाले या परिवार वाले जिस नाम से बुलाते हैं उसको हम पेट नेम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलियस का उपनाम होता है या उर्फ होता है या अथवा या छद्म नाम होता है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और छद्म नाम या इसको कल्पित नाम भी बोल सकते हैं, गढ़ंत नाम भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, अन्यथा भी बोल सकते हैं, ये सब जो है इसके सिनोनिम है हिंदी में। अगला वर्ड है हमारे सामने एलिबाई, ठीक, एलिबाई लिखा हुआ है, एलिबाई, और एलिबाई में आप देख रहे हैं ALI जुड़ा हुआ है, ALI का मतलब क्या हो गया, अदर, अदर, ठीक, और BI शब्द जुड़ा हुआ है एलिबाई। अब इस एलिबाई का मतलब क्या होता है ये आपको हम बताते हैं, ठीक है, एलिबाई का मतलब होता है बहाना, ठीक, अदर, एलिबाई मतलब
जो है कोई दूसरा, एक कोई दूसरी बात कहना, बहाना बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सक्यूज लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बहाना। तो मेकिंग एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना। रीजन, कारण बताना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देना, ठीक। एक वर्ड आया है यहाँ पे प्लिया, प्लिया शब्द भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी होता है दलील या तर्क प्रस्तुत करना, उसी को बोलते हैं प्लिया, ठीक। तो एलिबाई, प्लिया, ये सब क्या है, ये सब है इसका सिनोनिम, ठीक। और एक वर्ड है जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब भी स्पष्टीकरण होता है, ठीक है, स्पष्टीकरण देना, तो ये जस्टिफिकेशन इसका सिनोनिम है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एलिबाई मीन्स बहाना, ठीक। तो आप कह सकते हैं ही ऑलवेज मेक एन एलिबाई, मतलब वह हमेशा एक बहाना बनाता है, या ही एलिबाइज, वह बहाना बना रहा है या बहाना बनाता है, ठीक। तो नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है ये, और वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है एलिबाई, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है एलियन, जो तीसरा वर्ड है हमारे सामने वो क्या है, एलियन। अब यहाँ पे एलियन, ALI शब्द जुड़ा हुआ है, ALI का मतलब होता है अदर, और एलियन जो वर्ड आया है, EN जुड़ा हुआ है प्लस EN। अब एलियन जो वर्ड है ये है क्या, वास्तव में ये है नाउन, ठीक है। ये क्या है, नाउन। याद रख लेना, जो शब्द जिस शब्द के अंत में N आपको आ जाए, N दिख जाए, वो नाउन होता है, ठीक है, नाउन हो जाएगा। तो एलियन जो शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है, विदेशी, अनजान, ठीक, अनजान, जिससे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं, या पराया मनुष्य, या किसी अन्य देश का, अन्य देश का, ठीक है। ये सब एलियन के लिए यूज होता है। तो इसके लिए जो हमारा सिनानिम है, फॉरेन, अननोन, फॉरेन मतलब विदेशी, अननोन मतलब जिसको हम जानते ना हो, स्ट्रेंज, विचित्र प्राणी जिसको कह सकते हैं, अनजाना, न्यू यानी कोई हमारे लिए एकदम नया हो, एलियन हो, आउटसाइड यानी कोई बाहर से आया हो, एलियन हो, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है जो बाहरी आते हैं, बाहरी माइग्रेट होकर आते हैं, उनके लिए एमिग्रेंट का यूज करते हैं, रिफ्यूजी, ठीक है, रिफ्यूजी यानी ऐसे लोग जो शरणार्थी टाइप के हैं लेकिन विदेशी हैं, हमारे यहाँ के नहीं हैं, तो ये इसके सिनानिम हो गए, ठीक। एंटोनिम कौन से होंगे, तो एंटोनिम यूजुअल, जो हमारे आसपास रहते हैं, यूजुअल हैं, प्रायः हम उनसे मिलते हैं, फैमिलियर हैं, परिचित हैं, हमारे नेशनल हैं, हमारे देश के हैं, यहाँ पे ए मिस हो गया है, ए नेशनल हमारे देश के हैं, लोकल यानी हमारा क्षेत्रीय, नेटिव हमारे देश के सिटीजन, हमारे देश के ही नागरिक, रेजिडेंट, ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब हमारे यहाँ के ही, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब है हमारे यहाँ के ही जो आवासित हैं या प्रवासी हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया। तो ये एलियन शब्द है, एलियन का मतलब होता है विदेशी या अनजान, ALI अदर रूट वर्ड्स पे बना हुआ है। और फिर अगला हमारा चौथा वर्ड है आज का, एलियनेट। एलियनेट मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो एलियनेट वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता है जो है एली, एली मतलब क्या हो गया, एली मतलब हो गया अदर, ठीक। और एलियनेट शब्द जो यूज होता है वो किसी को पराया कर देना, ठीक है, पराया करना, पराया करना या पृथक करना, या हटाना। अगर इसके नेचर की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये नेचर में वर्ब, वर्ब, ठीक है, क्रिया, एलिनेट। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा, डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, बांटना, सेपरेट, अलग करना, होस्टिलिटी, ठीक है, होस्टिलिटी का मतलब भी, होस्टाइल का मतलब भी होता है अलग करना, ठीक है, याद रख लेना इस बात को, दुश्मनी करना, होस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, दुर्भावना, शत्रुता, विरोध, विरोध करना, ठीक। तो होस्टिलिटी, एंटागोनाइज,
इसका मतलब भी शत्रुता होता है, एंटागोनाइज। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब विरोध करना, अलग करना। एनॉय, एनॉय का मतलब भी क्रोधित होना, विद्वेष प्रकट करना, दुश्मनी निकालना, दुर्भावना। ठीक है, तो ये वर्ब भी है और नाउन भी है, दोनों आपको याद रखना है। इसके जो एंटनिम होंगे, एंटनिम वो कौन कौन से होंगे ये भी देख लेते हैं। एंटनिम, यूनाइट यानी एकीकरण, यानी एक हो जाना, अलग नहीं एक हो जाना। कंबाइन, ठीक है, कंबाइन, कंबाइन का मतलब भी एक हो जाना, समूह बनाना। ज्वाइन का मतलब भी जो है एक हो जाना। तो ये सब जो वर्ड आए हैं ये इसके एंटनिम हैं, ठीक, एलियनेट के। और सिनोनिम कौन से हैं? डिवाइड, सेपरेट, होस्ट, हॉस्टिलिटी, एंटागोनाइज, ऑफेंड, एनॉय। चलिए अगले नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम आज के अपने पांचवें शब्द पे, एलिगरी। एक शब्द लिखा है एलिगरी। अब आप जो है ए एल शब्द आप देख रहे हैं, ए एल का मतलब क्या होता है? अदर, अदर। और प्लस गरी शब्द लिखा है, गरी, ठीक है, एलिगरी। तो जो एलिगरी वर्ड है इससे बन क्या रहा है? एलिगरी यानी दूसरी कहानी, ठीक है। जो एलिगरी शब्द है, ठीक, दृष्टांत या कहानी होता है इसका मतलब। और ये नेचर से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि ये है क्या, ये नाउन है, ये नाउन नेचर से नाउन है, ठीक है। तो जो एलिगरी वर्ड है, एलिगरी का मतलब ये जो गरी शब्द है इसको आप, इसका कोई अर्थ नहीं है, आप इसको स्टोरी से जोड़कर देख सकते हैं, यानी अदर स्टोरी। अदर स्टोरी का मतलब रूपक कथा, ठीक है, रूपक कथा जिसको आप कहते हैं, नीति कथा, रूपक कथा, या फिर दृष्टांत, व्यंजना, अन्योक्ति। दृष्टांत, व्यंजना, अन्योक्ति, रूपक कथा, ठीक है। तो इसी को हम सिनानिम के रूप में देखते हैं। तो सिंबल क्या लिखा हुआ है? सिंबल, ठीक, सिंबल। स्टोरी, टेल, मिथ, फेबल। फेबल मतलब भी कहानी होती है, ठीक है, मिथ मतलब भी कहानी होती है, टेल मतलब भी कहानी होती है, रूपक कथा। तो जैसे रूपक कथा क्या, ठीक, रूपक कथा किसको कहते हैं? यानी किसी बात को समझाने के लिए कोई स्टोरी बनाना, ठीक है, कोई कहानी कह देना, वही दृष्टांत व्यंजना है, उसी को रूपक कथा, चाहे वो देखी हुई हो या काल्पनिक हो, उसी को बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, अब यहाँ पे देखो एक शब्द आया है अल्टर, अल्टर, अल्टर का मतलब हो गया अदर, और एक दूसरा वर्ड है ईगो। अब ईगो का मतलब क्या होता है? आई, ठीक है, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। यानी यहाँ पे जो नेचर से ये तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो अल्टर ईगो, अल्टर का मतलब अदर और ईगो का मतलब आई, ठीक। अदर देन आई आप कह सकते हैं, अदर देन आई, ठीक, यानी मेरे अलावा कोई दूसरा। अदर देन आई, आप किसी व्यक्ति पर जो है विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो कौन हो सकता है? आपका मित्र होगा। कौन होगा वो? आपका मित्र होगा, ठीक है, तभी तो आप उस पर विश्वास करेंगे। और जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो उस पर मन से विश्वास करते हैं, तो अदर देन आई यानी मेरे अलावा जो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, उसी के लिए यूज होगा। तो आप क्या कहेंगे उसको? अंतरंग मित्र, अंतरंग मित्र। आप कहेंगे उसको क्लोज फ्रेंड, क्लोज, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? या आप कहेंगे उसको फास्ट फ्रेंड, ठीक, या आप उसको कहेंगे एलाय, ठीक। तो वो क्या होगा आपका? आपका अंतरंग मित्र होगा, अल्टर ईगो होगा, ठीक है। ही इज माई अंतर, ही इज माई अल्टर ईगो, ठीक है, वह मेरा जो है अंतरंग मित्र है, अंतरंग। और इसका अर्थ जो है अल्टर ईगो का मतलब अंतरात्मा भी होता है, अंतरात्मा। चलिए, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे अल्टर शब्द आया ही है, अल्टर यानी अदर, और उसके बाद नेटिव आया है, नेटिव, ठीक, अल्टरनेटिव, और ये नाउन भी है एडजेक्टिव भी है, दोनों का काम करता है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक, वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब जो आपके लिए विकल्प के रूप में उपस्थित हो उसी को बोलते हैं वैकल्पिक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, यानी एक स्थान पे, किसी एक स्थान पे हम जो है कोई दूसरी वस्तु यूज कर लें, जैसे पेन के स्थान पे पेंसिल यूज कर लें, तो पेंसिल इज द सब्स्टिट्यूट टू द पेन, यानी पेन के लिए पेंसिल क्या है, सब्स्टिट्यूट है, दोनों का काम लिखना होता है। अदर, अदर हो जाएगा दूसरा, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है दूसरा, यानी किसी अन्य प्रकार का, रिप्लेसमेंट के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर दूसरा, अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मतलब भी होता है, हाँ, एक स्थान पर दूसरा, ठीक है, अनकन्वेंशनल, तो ये सब आपको याद रखना है। वैसे तो अनकन्वेंशनल का मतलब होता है रूढ़िमुक्त या अपरंपरागत, जो परंपरागत ना हो, ठीक है, जो परंपरागत ना हो उसी को बोलते हैं अनकन्वेंशनल, रूढ़िमुक्त, जो रूढ़ियों से अलग हो, ठीक। चलिए हम अब मूव कर रहे हैं अपने अगले शब्द पर, नेक्स्ट वर्ड पर, जो लिखा हुआ है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब, ये भी अल्टरनेट क्या है, वर्ब है, ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट जो शब्द आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हैपनिंग अदर डे और टाइम, यानी कोई घटना जो है दूसरे दिन जो घटती है बारी बारी से, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट, यानी एकांतर या बारी बारी से, उसी कहते हैं अल्टरनेट। आप इसमें अल्टर शब्द देख रहे हैं, तो अल्टर मतलब हो गया दूसरा, अल्टर मतलब हो गया दूसरा, नेट शब्द जुड़ा हुआ है, तो बारी बारी से, यानी जैसे मान लो कोई काम हो रहा है, ठीक, कोई काम हो रहा है, यहाँ से चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जैसे मान लो यहाँ पे ए व्यक्ति है, बी है, सी है, डी है, ठीक, तो अगर कोई चीज इसको मिली है तो अगली बार वही चीज, वही बस इसको मिलेगी अल्टरनेटिवली, उसके बाद इसको मिलेगी, उसके बाद इसको मिलेगी, चार लोग हैं तो फिर जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट, यानी वैरी, वैरी करना का मतलब होता है बदलते रहना, चेंज इसका सिनानिम है वैरी, चेंज, टेक टर्न्स, इंटरचेंज, फ्लैक्चुएट, ठीक है, फ्लैक्चुएट का मतलब बारी बारी से बदलते रहना, एक्सचेंज, ठीक है, बदलना, रोटेट, स्वैप, ये सब इसके सिनानिम, ठीक है, अल्टरनेट के सिनोनिम। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, तो रिमेन, एक वर्ड है यहाँ पे रिमेन, यानी रिमेन का मतलब होता है कि बने रहना, ठीक है, स्टेट, स्टेट ये स्टेट है, स्थिर रहना, स्टेट ये जो बदल, बदलेना, कांस्टेंट हमेशा स्थिर रहना, जो बदलाव, जिसमें बदलाव ना हो वही इसका एंटोनिम। चलिए मूव करते हैं अपने नाइन्थ वर्ड पे, अगला शब्द है हमारा अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट शब्द है, और अल्ट्रुइस्ट में आप देख रहे हैं ये नेचर से लास्ट में एस टी आया है, तो जिसके लास्ट में एस टी हो वो भी नाउन है, तो अल्ट्रुइस्ट में ALTER जुड़ा हुआ है और इसका मतलब हो गया है अदर, ठीक है। अब UIST हो गया है, UIST, तो UIST क्या शो कर रहा है, वो नाउन शो कर रहा है और पर्सन को शो कर रहा है, यानी जो दूसरे व्यक्ति की सहायता करे, ठीक है, हु टेक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन अनदर, अनदर्स हेल्प और वर्क, हु टेक्स इंटरेस्ट इन अदर्स, जो दूसरों की सहायता में
रुचिले, उसी को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट तो आप क्या कह सकते हैं इसको, परोपकारी, सॉरी परोपकारी, इसे क्या कहेंगे, परोपकारी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी, कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर। ठीक है, कंट्रीब्यूटर का मतलब है जो हमेशा बांट कर, विभाजित करके किसी वस्तु को चलता हो, उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूटर। एक कंट्रीब्यूटर यानी सहयोगी, अंशदायी, अंशदायी, अंशदाता, योगदाता, ये सब कंट्रीब्यूटर के लिए यूज होता है। डोनर, दाता, ठीक है, जो हमेशा देता हो। पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब भी कुछ वही सेंस होता है। ठीक है, जो पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब क्या होता है, पोषक, सहायक, जो दूसरों को सहायता देता हो, आश्रय देता हो, उसी को बोलते हैं पैट्रॉन। पैट्रॉन यानी आश्रयदाता आप कह सकते हैं। एक फिलान्थ्रोपिस्ट यानी मानवतावादी, यानी जो मानव से प्रेम करता हो, उसी को बोलते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलान्थ्रोपिस्ट मानवतावादी, आपको याद रखना है। तो जो दूसरे की हेल्प करते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट। ठीक है, वही लोग क्या कहलाते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट, जो दूसरे की हेल्प करते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा अपोनेंट, यानी जो विरोधी हो, जो परोपकारी ना हो, उसी को आप कह देंगे कि वो जो है क्या है, वो अपोनेंट है, विरोधी है, मक्कार है। आज का हमारा जो ये लास्ट शब्द है वो कौन सा है, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, तो आप देख रहे हैं अल्टर शब्द आया है और केशन आया है, तो ALTER, अल्टर मतलब अदर, और इसमें एक दूसरा वर्ड भी जुड़ा हुआ है जिसका मतलब है केशन। केशन का मतलब होता है टू फाइट, टू फाइट, तो जो दूसरों से झगड़ा करता चले, द पर्सन fights with other, with others, जो दूसरों से झगड़ा करता हुआ चले। ठीक है, तो उसी को अल्टरकेटिव कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द एक्ट ऑफ फाइट्स विथ अदर, इसको हम कह सकते हैं द एक्ट ऑफ फाइट विथ अदर्स, द एक्ट ऑफ फाइट विथ अदर्स, अदर्स यानी क्या कहेंगे, कलह, क्या हो जाएगा, कलह, या क्या हो जाएगा, झगड़ा। तो देखो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हैं इसमें, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं जो कलह या झगड़ा को बताते हैं। आर्गुमेंट, वाद विवाद, आर्गुमेंट यानी यह भी कला है। एक शब्द है रॉ, ROW, ठीक है, रॉ, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है झगड़ा करना। ठीक है, हाँ, उपद्रव मचाना, झगड़ा, ये सब जो है ये नाउन के रूप में होता है, उपद्रव मचाना। ठीक, रॉ का मतलब होता है उपद्रव मचाना। एक शब्द है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है कलह, झगड़ा, कंट्रोवर्सी मतलब कलह या झगड़ा। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का मतलब जहां पर सहमति नहीं होती है उसी को बोलते हैं हम, तो वहां भी निश्चित रूप से झगड़ा होगा, कलह होगा। क्लैश, क्लैश मतलब भी होता है दो पक्षों के बीच में झगड़ा। कंटेंशन मतलब भी, कंटेंशन का मतलब भी तनाव होता है, ठीक है, तनाव या झगड़ा होता है। क्वेरल मतलब होता ही है, आप जानते ही हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम, पीस, एग्रीमेंट, हार्मनी। ठीक, एंटोनिम है इसके काम, पीस, एग्रीमेंट और हार्मनी। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे जो आज के, और हमने बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द को डिटेल में समझने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो एक क्लास पर डे आप जो है यहाँ से नोट करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। ठीक, तो आज के लिए अपने इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने हित मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक, हाँ, शाम वाली क्लास में एक शाम की क्लास चलेगी जिसमें हम आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चंस
को रखेंगे, यानी भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जिसमें आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न रहेंगे। वो प्रश्नावली भी चलने वाली है, ठीक है, जिससे आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद।